वन टू थ्री फोर लिए, एग्जाम भी अभी हमने डायग्नोसिस टेस्ट लिया, जो डायग्नोसिस टेस्ट में भी मैंने स्प्लिट द लेटर और जॉइन द लेटर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं तो सेम मेक अ मिस्टेक। ओके, तो जो मिस्टेक हमसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो हम देखेंगे। और आज हम फिर से न्यू से हम स्प्लिट द लेटर एंड जॉइन द लेटर के बारे में समझेंगे। जॉइन द लेटर इजीली कर लेते हो आप लोग, लेकिन जो स्प्लिट द लेटर होता है उसमें आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी है वो हम देखेंगे। ओके, चलो तो the letter, ओके, हमें किस तरह से अलग करना है पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले विदाउट मात्रा वाले वर्ड लेंगे हम। ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉल है, सेकंड यहाँ पे गर्ल है, थ्री लेटर में लेते हैं तो यहाँ पे चरण है। ओके, फोर लेटर में लेते हैं तो यहाँ पे अदरक है। ये विदाउट मात्रा वाले वर्ड। ओके, तो फल तो आपको इजीली पता चलेगा, ह अदि ल, तो फल गर, ग अदि र, ग, च, अधिक र, अधिक आ, चरण, आगे अदरक, अ, अधिक द, अधिक र, और अधिक क। ओके, तो इस तरह से जो विदाउट मात्रा वाले वर्ड्स, यानी कि ये विदाउट मात्रा के, क्योंकि ओनली फॉर व्यंजन है, एक ऐसे वर्ड बना है हमारा फल, तो फल हलन है, उसमें अ की मात्रा है प्लस ल है, हलंत है और अ की मात्रा है, इसीलिए ए लेटर हाफ लेटर है जो हलंत कहलाता है। ओके, लेकिन उसको हम स्प्लिट करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ग अ र अदा अधिक अ, तो ये हिंदी में ये मेथड रॉन्ग है। अंडरस्टैंड, हम अ का साउंड है लेकिन हमारा क्या है, ये जो फॉल गर चरण चल पल गर्दन ऐसे नमक ऐसे जो वर्ड है उसको स्प्लिट करना है, तो डायरेक्ट हम ग अधिक र च अधिक र अधिक अण इस तरह से हम उसको स्प्लिट करेंगे। अंडरस्टैंड, अब हम देखते हैं मात्रा वाले वर्ड्स, ये थे हमारे विदाउट मात्रा के वर्ड्स। हमने सारे लेसन में देखा है कि ये जो है स्प्लिट द लेटर जॉइन द लेटर सारे लेसन के पीछे एक्सरसाइज में मोस्टली ऑलमोस्ट दिया गया ही है। ओके, तो अब हम आ की मात्रा वाले वर्ड्स देखेंगे। आ की मात्रा की स्प्लिट द लेटर, आ की मात्रा इस तरह से होती है ना, तो सिंपल वर्ड्स है, तो तारा, आकाश, राजा, पालक। ओके, ये हम एग्जांपल के तौर पर एक फॉर लेटर फॉर वर्ड्स देखेंगे, तो आपको डायरेक्ट सिखाने के लिए ता प्लस रा
प्लस का प्लस श रा अधिक जा पा अधिक ल अधिक क ओके समझ में आ रहा है ना कि इस तरह से आप डायरेक्ट क्योंकि हमने पहले क्या सीखा घर पढ़ का हमने ग अधिक र सीखा तो डायरेक्ट तो आपको वोवेल्स की मात्रा को अलग करना आएगा नहीं इस तरह से हमें पहले ओनली फॉर आ की मात्रा में ही वर्ड्स इस तरह से सीखने हैं ओके अब आ की मात्रा वाले वर्ड्स भी हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे वो देखते हैं हम चलो आ की मात्रा वाले वर्ड्स ओके ओके तो फर्स्ट हमारा है कागज कागज कारण पाठशाला नंबर फोर में हम लेंगे रामायण इस तरह से महाभारत ले सकते हैं पलायन ओके बेटा तो हम देखेंगे देखो ये किस तरह से हमें स्प्लिट करना हम डायरेक्ट का प्लस गो प्लस ज इस तरह से उसको स्प्लिट करेंगे नहीं अब उसकी मात्रा को हम अलग करके स्प्लिट करेंगे ओके तो पहले कौन सा वर्ड है हमारा क तो उसको लेंगे हलन अधिक आ की मात्रा मात्रा लेना है इतना ध्यान रखो किसी भी वोवेल की मात्रा लेना है वोवेल हम स्प्लिट में नहीं करते हैं ओके अधिक ग पूरा है उसके पीछे कोई मात्रा नहीं इससे अधिक वो हलन आएगा नहीं अधिक ज ऐसा जिसकी पीछे मात्रा है वही वर्ड हमें इस तरह से हलन करना है या कारण देखते तो क आ गया है ये कंपल्सरी है जिसके पीछे मात्रा है जब उसको अलग कर रहे हो तो स्प्लिट करते समय ये हलंत बताना कंपल्सरी है ओके अधिक आ की मात्रा अधिक र अधिक अण कारण पाठशाला पवादा अधिक आ की मात्रा प्लस ठ की पीछे कोई मात्रा नहीं है इसलिए ठ हम पूरा लेंगे अधिक श आधा अधिक आ की मात्रा अधिक ल आधा अधिक आ की मात्रा तो इस तरह से पाठशाला शब्द बनेगा ओके सेम वे मेरा को आ की मात्रा है म को आ की मात्रा तो हम इन दोनों को ही अलग बताएंगे र आधा अधिक आ की मात्रा म है म आधा अधिक आ की मात्रा रामायण य के पीछे कोई मात्रा नहीं तो यह हम पूरा लेंगे और अण अंडरस्टैंड पलायन तो प के पीछे कोई मात्रा नहीं तो प हम बस पूरा ले लेंगे ल तो ल के पीछे आ की मात्रा है ल के पीछे आ की मात्रा है पला य न ओके समझ में आया आपको किस तरह से मात्रा वाले वर्ड्स स्प्लिट करने हैं ओके अब देखेंगे हम छोटी ओके तो छोटी के भी स्प्लिट द लेटर नहीं लेकिन हम सीखेंगे दो तीन वर्ड्स लेकर हम सीखेंगे ओके छोटी की मात्रा
फॉर एग्जांपल इसमें किरण है, न्यूक्लियर वर्ड्स लेते हैं, तितली, कोई भी मात्रा फॉर्म में आधार वर्ड्स बनाकर और लक्षण में छिलका, ओके। देखते हैं अब किरण, तो क आता उसके पीछे हम लिखाएंगे इसकी मात्रा प्लस र आता है होगा अण किरण, पी तो आता इसकी मात्रा तो पूरा ल आता बड़ी की मात्रा तितली, छ आता छोटी की मात्रा ल पूरा है कोई मात्रा नहीं है, क आधा प्लस आ की मात्रा, अंडरस्टैंड। इसमें है ही नहीं स्प्लिट द लेटर, लेकिन स्प्लिट द लेटर हो तो ऑलवेज इन वोवेल की मात्रा को व्यंजन से अलग किया जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्लिट द लेटर बड़ी ई की मात्रा वाला, इसमें भी नहीं है, लेकिन हम दो तीन एग्जांपल देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल रीडर्स, रीता, थर्ड में है दूर, इस तरह से चाहे कोई भी वर्ड हो, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखकर देखो ल, तो क्या किया है बहुत से स्टूडेंट ने, ल आधा किया है, फिर टू लिखा है, फिर ट लिखा है, तो इस तरह से आपका होता है रॉन्ग, ओके। तो इसको करने के लिए आप ओनली वन मात्रा अलग करनी है ना, ना कि आपको पूरा वोवेल लाना है बीच में, लो आता अधिक उकी मात्रा बड़े उकी आगे इसमें दिया हुआ है, छोटे उ में बड़ा उ दिया है, तो हम छोटे उ के वर्ड लेंगे, ओके, लेकिन सीख लेते बड़े उ की मात्रा में, ओके। तो अधिक टॉप पूरा अ का कोई स्प्लिट होगा नहीं, तो हम अ को किस तरह से करेंगे, आ पूरा है कभी भी दूसरों पर डिपेंड रखना नहीं है, ल आधा अधिक उ की मात्रा, द आधा उ की मात्रा और ल,
ओके। अब हम देखेंगे ये बड़े ओ के आ गए हैं वर्ड्स, अब हम देखेंगे छोटे ओ के। छोटे ओ की एक्सरसाइज में बड़े ओ भी है तो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दुकान, गुलाब, झुमका, ओके। तो देखो करेंगे हम दरवाजा, छोटे ओ की मात्रा कवाता, अधिक आ की मात्रा अधिक न, गवाता छोटे ओ की मात्रा, लवाता अधिक आ की मात्रा अधिक ब, जवाता बड़े छोटे ओ की मात्रा, मवाता मा म पूरा उसके पीछे कोई मात्रा नहीं, अब क के पीछे आ की मात्रा इसलिए क आधा होगा। ओके तो इस तरह से बस सारी मात्राओं को अलग करके स्प्लिट द लेटर सीखना है। ओके अब हम आगे के लेसन देखेंगे जॉइन द लेटर, अंडरस्टैंड। चाहे यहाँ पे दिया है वृक्ष, तो वृक्ष को स्प्लिट करना है तो वो आधा करेंगे, रुकी मात्रा शपुरा, फॉर एग्जाम्पल है कुशक, तो क्या करेंगे हम कुशक को क आधा करेंगे, अधिक रुकी मात्रा अधिक श अधिक क। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम सारी मात्राओं के वर्ड्स को इस तरह से अलग करके हम कर सकते हैं। अब सेम वे जॉइन द लेटर, अब आगे के लेटर हम देखेंगे जॉइन द लेटर सीखेंगे। ओके जॉइन द लेटर, ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड दिया है को आधा है, गलत है क्योंकि पीछे कोई मात्रा नहीं है तो पौ आता कहाँ से आएगा, नहीं आएगा तो पौ पूरा, ड आता है एक मात्रा है प्लस गो आता प्लस आठी मात्रा, तो वर्ड बनेगा हमारा पढ़ेगा। ओके तो ये तो आपको अच्छी तरह से ज्वाइन करना, तो रेयर में और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रॉन्ग होता है, बाकी ज्वाइन करना तो आपको अच्छे से आता है। गो आधा और की मात्रा दो आधा और य, तो हमें इसको ज्वाइन करना है वेर दिया। ओके नंबर थ्री देखेंगे हम तो आधा ओ की मात्रा ओ आधा बड़ी की मात्रा, तो बना वर्ड हमारा टोपी। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम मो आधा ओ की मात्रा, फिर स और म, तो वर्ड्स हमारा बनेगा मौसम मौसम। ओके इस तरह से खवाना अधिक औ की मात्रा अधिक ल पूरा न आधा, जिसके पीछे मात्रा है उसको हमें आधा लेना है तो खोलना। ओके इस तरह से अगर आपको आठवीं मात्रा वाले वर्ड्स दिए गए हैं तो र आधा
अच्छे से इस तरह से अगर करेंगे तो एक भी मार्क्स कट नहीं होगा और इस तरह से हमें लैंग्वेज के बारे में कि स्वर है वो इंडिपेंडेंस है, उसको किसी भी वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, और जो व्यंजन है वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, उसको दूसरे शब्द की सहायता लेनी ही पड़ती है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।